नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। देश में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में 1 लाख के पार नए केस। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। सोमवार को भारत में कोरोना वायरस के कुल 1,03,000 मामले सामने आए। अगली खबर भी कोरोना से जुड़ी है। मुंबई में 11,000 तो दिल्ली में 4,000 से अधिक नए मामले। मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। मुंबई में 24 घंटे में 11,163 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 25 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में कल 4,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कल 21 लोगों की मौत हो गई। आईपीएल में नहीं खेलने के बावजूद श्रेयस अय्यर को मिलेंगे 7 करोड़। बीसीसीआई के इस नियम का होगा फायदा। श्रेयस अय्यर कंधे की चोट के चलते आईपीएल के 14वें सीजन से बाहर रहेंगे। अय्यर के कंधे की 8 अप्रैल को सर्जरी होनी है। सर्जरी के बाद मैदान पर दोबारा वापस लौटने में अय्यर को 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। जम्मू में बनेगा भव्य तिरुपति मंदिर। देवस्थानम को सरकार ने दी 62 एकड़ जमीन। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को जम्मू के मजीन गांव में लगभग 62 एकड़ जमीन आवंटित की है। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां शादी में दावत खाने गए 87 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। मामला तेलंगाना के निजामाबाद का है, जहां एक शादी में शामिल होने वाले कोई 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 87 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अगर बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होगा नाम और रिपोर्ट। परिवहन निगम के नए नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो राज्य का परिवहन विभाग उसका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया जा सकता है। केजरीवाल बोले, तब तक मौत नहीं आएगी जब तक भारत को विकसित देश ना बना दूं। केजरीवाल ने कहा कि भारत को नंबर 1 बनाना है और भगवान से मैंने सेटिंग कर ली है कि मौत तब तक नहीं आएगी जब तक अपने भारत को विकसित देश नहीं बनाऊंगा। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोहतक में कल किसानों पर इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम। मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से आज लाया जाएगा बांदा जेल। लाइब्रेरियन के 750 पदों पर भर्ती, आज से शुरू आवेदन। PSSSCB ने स्कूल लाइब्रेरियन के 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट ssb.punjab.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि 5 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, गौतम बुद्ध नगर के सारे स्पा सेंटर बंद करवाए। गौतम बुद्ध नगर में आए दिन शॉपिंग मॉल में, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में सपा और मसाज पार्लर के आड़ में जिस्म फिरोशी का कारोबार चल रहा था। पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस की छापेमारी में ऐसे कई गिरोह सामने आए, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल जिले में कोई भी स्पा और मसाज सेंटर नहीं चलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। इस दौरान उन्होंने पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,164 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में सक्रिय मामले 19,738 हैं। संक्रमण से अब तक 8,881 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटों में 45 जंगलों में लगी आग, 4 लोगों और 7 जानवरों की मौत। केंद्र ने आग बुझाने के लिए भेजे हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड राज्य में रविवार को 45 जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं चिंताजनक हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भी स्थिति से अवगत कराया है, जिसके बाद केंद्र ने फौरन उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और NDRF की टीम भेजने के निर्देश दे दिए। व्हाट्सएप पर आ रहा कमाल का न्यू फीचर, फोन से कनेक्ट किए बगैर भी चलेगा ऐप। व्हाट्सएप पर एक शानदार अपडेट आने वाला है। कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाते वक्त अब आपको बार बार फोन से कनेक्ट नहीं करना होगा। एक बार लॉगिन करने के बाद आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बेरोक टोक चैटिंग हो पाएगी। लद गए सस्ते होम लोन के दिन, SBI ने 0.25% बढ़ाई ब्याज दरें। प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। SBI होम लोन की अगर बात करें तो इसके अलावा SBI ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस भी चुकानी होगी, जो कि कुल होम लोन का 0.40% होगा। इस पर GST भी अलग से देना होगा। ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये होगी। बेलगाम बाइकर्स की स्पीड पर ट्रैफिक पुलिस ने लगाया ब्रेक। बाइकर्स पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने अनोखा प्रयोग किया है। इस प्रयोग के रंग में 1 माह तक दिल्ली गेट क्रॉसिंग चौराहा नजर आएगा। यदि प्रयोग सफल रहा तो इस व्यवस्था को स्थायी किया जा सकता है। सीएम योगी का ऐलान, शहीद जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की मदद देगी यूपी सरकार। लुधियाना में वैक्सीनेशन वैन लॉन्च, बिना मास्क के देखे गए लोगों का किया जा रहा RT-PCR टेस्ट।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, जल्दी कम होने वाली पेट्रोल डीजल की कीमतें। प्रधान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की दरें गिरने लगी हैं। हमने पहले भी कहा था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें घटेंगी तो हम उपभोक्ताओं को लाभ दे पाएंगे। 20 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में सस्ता घर खरीदने का मौका, बिक रहे हैं 10,000 मकान। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दिल्ली एनसीआर में 10,000 सस्ते मकान देगा। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाएंगे। अभी तक 400 लोग मकान लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मार्च से बढ़ाकर अब 20 अप्रैल कर दी गई है। उत्तराखंड में आज शाम से बदल जाएगा मौसम। 8 अप्रैल तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल तक उत्तराखंड में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। जहां एक और प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि होगी, वहीं मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।